जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख है 5 सितंबर 2024। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946। रवि देवता दक्षिणायण में है, शरद ऋतु चल रही है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है। आज की तिथि है द्वितीया, दूज। आज की द्वितीया तिथि दोपहर को 12:22 तक रहेगी। आज का वार है गुरुवार। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र अहोरात्र रहेगा, यानी दिन और रात 24 घंटे रहेगा। हस्त नक्षत्र का वृक्ष है रीठा। आज का योग है शुभ योग, जो रात्रि 9:08 तक रहेगा। आज का करण है तैतिल करण, जो रात्रि 1:42 तक रहेगा। मुंबई का आज का सूर्योदय है प्रातः 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:49 पर। मुंबई का आज का चंद्रोदय है प्रातः 8:01 पर और चंद्रास्त होगा रात्रि 8:11 पर। आज पूरे दिन कन्या राशि का चंद्रमा रहेगा। कन्या राशि का वृक्ष है रीठा। आज अभिजीत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 1:01 तक। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:09 से दोपहर 3:43 तक। आज गुरुवार है, दिशा सूल दक्षिण दिशा में रहेगा। आज के व्रत और त्यौहार। सबसे पहले हमारा जन्म नक्षत्र अथवा जन्म राशि के अनुसार जो है आज का वृक्ष है रीठा, इसकी हमें उपासना करनी है, जल चढ़ाना है, परिक्रमा करनी है। आज आसाम में शंकर देव तिथि का त्यौहार है। आज वेद्रति महापात योग है, जो रात्रि 1:07 से शुरू होगा और अर्धरात्रि उपरांत 5:15 तक रहेगा। आज शिक्षक दिवस है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था और उन महान शिक्षक और राष्ट्रपति के नाम पर आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज बाबा रामदेव दूज है। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का आज जन्म दिवस है। वहाँ पर बहुत ही रणुजा में मेला लगता है और हजारों लाखों की संख्या में लोग पैदल और वाहन आदि से वहाँ पहुँचते हैं। आज साम श्रावणी उपाकर्म है। उपाकर्म का अर्थ है प्रारंभ करना। उपाकरण का अर्थ है आरंभ करने के लिए निमंत्रण या निकट लाना। यह वेदों के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का गुरु के पास एकत्रित होने का काल है। यह पर्व निजत्व की भावना को जीवंत प्रखर बनाने का पर्व है। जो इस पर्व में प्राण प्रवाह के साथ जुड़ते हैं उनका निजत्व और ब्राह्मणत्व जागृत होता जाता है तथा वे आदिशक्ति गुरु सत्ता के विशिष्ट अनुदानों के प्रामाणिक पात्र बन जाते हैं। इसमें एकोहम बहुश्यामी का संकल्प फलित होता है। इस उपाकर्म के 3 पक्ष है। पहला है प्राश्चित संकल्प, दूसरा संस्कार और तीसरा है स्वाध्याय। इसमें हेमाद्री संकल्प होता है और 10 विधि स्नान करके व्यक्ति शुद्ध बनता है। फिर मध्यान्ह संध्या, उसमें तर्पण आदि होते हैं, मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, सूर्योपस्थान और फिर जो ऋषि पूजन होता है, यज्ञोपवीत पूजन होता है और नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। संस्कार से व्यक्ति आत्मसंयमी बनता है। इसके बाद स्वाध्याय शुरू होता है जिसमें सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, स्मृति, सदस्पति, अनुमति छंद और ऋषि के लिए घृत आहुति
दी जाती है और उनका जो है पूजन किया जाता है। आज का दिन ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। आज के दिन प्रत्येक ब्राह्मण को जो है उपाकर्म करना चाहिए और नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आज के दिन इतना ही। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।